सो व्हाट्स अप गाइस, इट्स मी वेब हाई न्यू गाइस जस्ट वाचिंग वेब हाई यूट्यूब चैनल। तो देखो गुरु लोग, आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमें एक न्यू कैरेक्टर देखने वाली है। इसका नाम है मिस अमेरिका, और गुरु वो एकदम बवाल ही चीज है, एकदम बवाल चीज। जितने भी अभी तक यंग एवेंजर्स आ रहे हैं, हमने जितने भी यंग एवेंजर्स अभी तक सीरीज और मूवीज में देखी है, उनसे सबसे ये बहुत ज्यादा हाई है। यहां तक उसने एक बार तो कैप्टन मार्वल के मुंह में हाथ मार दिया था, तो वो दो यूनिवर्स जाके पटकी थी। तो चलो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मिस अमेरिका की ओरिजिन। तो मिस अमेरिका का जन्म हुआ था फ्यूर्टोना प्लैनेट में, और उस प्लैनेट में बस औरत ही औरत थी, लाइक डीसी की अमेजॉन्स। फिर उस प्लैनेट में कुछ लोगों का हमला होता है, जिस कारण से उन्हें वो प्लैनेट छोड़ना पड़ता है। तो फिर उसके बाद वो एक दूसरे प्लैनेट में चले जाते हैं, जिसका नाम रहता है यूटोपियन। वहीं अब मिस मार्वल अपनी कॉस्मिक्स पावर एब्जॉर्ब करती है, और उसकी पावर बहुत अनलिमिटेड टाइप की है। उसे वहीं पे कई सारी पावर्स मिलती है, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, स्ट्रेंथ फ्लाइट, और एक पंच में मल्टीवर्स के दरवाजे खोलने की ताकत। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक टाइप की ताकत है, इसीलिए उसे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में कास्ट किया गया है। उसकी खुशी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसका जो यूटोपियन प्लैनेट है उसको एक ब्लैक होल खींच लेता है। बट अब उसकी माँ लोग उसे बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है, एक बहुत बड़ा बलिदान कर देती है उसे बचाने के लिए, और उसे कह देती है कि तू यहाँ से भाग जा। तो वो फिर पंच करती है और मल्टीवर्स का दरवाजा खोलती है और वहाँ से दूर चली जाती है। फिर वो कई तरह के मल्टीवर्स में घूमते रहती है, और फिर जब वो मल्टीवर्स में घूमते रहती है तो तभी वो अपनी मम्मी लोगों की नक्शे कदम में चल के एक सुपर हीरो बनती है। सबसे पहली टीम जिसमें वो जुड़ी और आगे जाके उसको उसने कोलीड भी किया, वो थी टीन ब्रिगेड, जिसमें सब नौजवान बच्चे थे जिनके पास सुपर पावर्स थी। और फिर उसके बाद वो मसल्स नाम की टीम में भी जुड़ी थी, और फिर एक स्नार्क नाम की भी टीम में वो जुड़ी थी। उसके बाद उसे बहुत बड़ा मौका मिला यंग एवेंजर्स टीम में जुड़ने का। तो आप लोगों को पता ही होगा कि यंग एवेंजर्स में कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, और अभी अभी हमने एक नया कैरेक्टर देखा है जिसका नाम है केट बिशप, और आगे जाके केट बिशप उसकी बेस्टी बनती है। फिर वो एक बहुत बड़ी टीम में भी जुड़ती है जिसका नाम है द अल्टीमेट, और इसमें ब्लैक पैंथर और कैप्टन मार्वल जैसे बड़े बड़े कैरेक्टर्स भी है। आगे जाके वो एक ऐसी टीम में जुड़ती है जिसमें पूरे फीमेल्स एवेंजर थे, और उस टीम का नाम था ए फोर्स। इतनी सारी टीम को ज्वाइन करते करते वो बड़ी हुई, उसने बहुत सारे कारनामे भी करे, और फिर उसका एक ब्रेकअप भी हुआ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिसका नाम था लीजा एलरन। वो आगे जाके कॉलेज भी करती है। अब आप लोग पूछोगे कि एक सुपर हीरो, इतनी बड़ी सुपर हीरो को कॉलेज करने की क्या जरूरत है, तो वो एक ऐसे कॉलेज में जुड़ती जिसका नाम था सोटोमायर इंटरडाइमेंशनल यूनिवर्सिटी, जहाँ पर बस इंटरडाइमेंशनल स्टडीज होती है। ये एक मार्वल्स की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें स्पाइडरमैन भी जाना चाहता है, बाकी आज तक गया नहीं। और अपनी कॉस्मिक पावर को बेहतर करते करते अपनी प्रोफेसर की हेल्प लेते लेते और अपनी ग्रैंडमा एडरमैन की भी सहायता लेती है। पावर तो थी, अब स्मार्ट भी हो चुकी, तो एकदम अनलिमिटेड टाइप की उसके पास पावर्स आ जाती है। और फिर वो अपनी मल्टीवर्स की जर्नी स्टार्ट करती है, कई सारे रैम्स और कई सारे मल्टीवर्स में घूम घूम के वो कई लोगों से लड़ती है, और कई लोगों से उस यूनिवर्स को बचाती भी है। और उसने अभी तक कई सारे एवेंजर्स का साथ भी दिया है, जिसमें से एक लोकी भी था, और हमारे आयरन मैन और आयरन मैन की पूरी पीढ़ियों के साथ भी उसने काम किया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, और ऐसी ओरिजिन वीडियो को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपना एक कोई भी शानदार वाला अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो। और मिलते हैं न्यू वीडियो में।